वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है, नया रेगुलेशन है एंड नया रेगुलेशन का जो नाम है वो बात करता है सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, राइट। तो पूरे के पूरे इस रेगुलेशन में हमको बात करनी है कि सेबी ने फ्रेम किए हैं कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ पर्पस, और पर्पस क्या है हमारा कि भाई हमको इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है, कुछ भी करके हमको क्या रोकना है, इनसाइडर ट्रेडिंग को। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है वो हम डेफिनेशन बात करेंगे, बट फिर भी हम बात करें सब इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे डायरेक्टर, ऐसा की मैनेजरियल पर्सन जिसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है, एंड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन के बेस पर उस पर्सन ने अगर कोई ट्रेड किया है, शेयर्स का खरीदा बेचा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। चलो, तो सेबी इश्यूड एंड नोटिफाइड दिस सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 ऑन, कब आया ये रेगुलेशन, 15th January 2015, एंड ये रिकमेंडेशन बेस पर आया था, किसकी रिकमेंडेशन लगी थी, सोडी कमेटी, राइट। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोडी कमेटी एंड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 15th May 2015, सोडी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी सेबी को, एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सेबी सोडी कमेटी सेबी ने इंट्रोड्यूस करा है, सेबी ने इफेक्टिव किया था, ये कब से इफेक्टिव हुआ था यार, 15th May 2015 को। हमने इसके बदले में पुराना वाला जो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992 था उसको हमने रिपील्ड कर दिया, उसको हमने हटा दिया, और 2015 का नया इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन इफेक्टिव हुआ। एक बात, ये पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है 2015 का, ये ओवरऑल 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, प्लस 5 चैप्टर्स के साथ में 2 स्केड्यूल्स का भी जिक्र है यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पार्ट है, पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ की हमारे पास डेफिनेशन है, हमको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सारी की सारी पढ़ना है। एक बात, चैप्टर 2 है वो बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज बाय इनसाइडर। इनसाइडर मतलब आप वो पर्सन माने जिसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइडर। एंड जनरली कौन कौन होगा यार, प्रमोटर, KMP, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, इन सबको हमने किस लाइन में खड़ा कर दिया है, इनसाइडर में। चैप्टर 3 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर, मतलब अगर कोई इनसाइडर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 5 आएगा जिसमें आपका ट्रेडिंग प्लान के बारे में जिक्र होगा, राइट। चैप्टर 4 जो है वो बात कर रहा है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय लिस्टेड कंपनीज एंड अदर एंटिटी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इसमें। चैप्टर 5 बात करता है मिसलिनियस मैटर्स लाइक सैंक्शन फॉर वायलेशंस, पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज, रिपील एंड सेविंग्स, राइट। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो ओवरऑल 5 चैप्टर में पूरा का पूरा रेगुलेशन सेबी ने डिवाइड किया है, राइट। और इफेक्टिव कब से हुआ यार, ये आपको डेट याद रखनी है, 15th May 2015 से इफेक्टिव हुआ, राइट। सेबी ने नोटिफाई कब करा है, 15th January, बट इफेक्टिव कब से हुआ, इफेक्टिव मतलब लीगली कब से एप्लीकेबल होना चालू हुआ लिस्टेड कंपनी पे, तो वो डेट कब से आई है यार, 15th May 2015 को। सेबी इनसाइडर रेगुलेशन किस कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, सोडी कमेटी। एग्जाम में अगर आ जाए कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेबी रेगुलेशन, सेबी इनसाइडर रेगुलेशन, तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, तो आपको ये सोडी कमेटी का शब्द जरूर लिखना है, राइट। चल, तो हमने फर्स्ट चार्ट में क्या क्या बात करी यार, पहली बात तो कब से नोटिफाई हुआ है, तो भाई नोटिफाई हुआ 15th January 2015 को। नाम क्या है इसका, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। प्रैक्टिकल लाइफ में कब से एप्लीकेबल चालू हुआ, 15th May 2015 को। पुराना वाला रेगुलेशन 1992 को इसके वजह से हटा दिया गया, और ये कौन सी कमेटी के बेस पर ये रिकमेंडेशन हुआ था, तो लॉ ने बोला है सोडी कमेटी की बेस पर। कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, 2 स्केड्यूल्स हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट है डिस्क्रिप्शन का। नाउ
अब हम बात करेंगे चैप्टर वन की, और चैप्टर वन में सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, अलग अलग तरह की डेफिनेशंस, राइट। सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे काम की डेफिनेशन, डेट इज़ कॉल्ड कंप्लाइंस ऑफिसर। ये वो पर्सन होगा जो इनसाइडर का हाथ पकड़ेगा कि भाई आपको ये काम नहीं करना, उसको हम क्या बोलेंगे यार, आपका कंप्लाइंस ऑफिसर। और जनरली कंप्लाइंस ऑफिसर कौन होता है, हम लोग कंपनी सेक्रेटरी लोग ही क्या होते हैं यार, कंप्लाइंस ऑफिसर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कंप्लाइंस ऑफिसर सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, बोर्ड, जो बोर्ड डायरेक्टर्स है उसके नीचे जो जस्ट पर्सन काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे यार, कंप्लाइंस ऑफिसर। एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड सो, भाई कंपनी सेक्रेटरी हम लोग भी कहाँ पर काम करते हैं, जस्ट बोर्ड के नीचे काम करते हैं, डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो उन्होंने क्या बोला, कंप्लाइंस ऑफिसर मतलब कोई भी सीनियर ऑफिसर, डेजिग्नेटेड सो मतलब आपको डेजिग्नेशन दिया है, एंड रिपोर्टिंग टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको हमने क्या बोला, आप कौन हो साहब, कंप्लाइंस ऑफिसर, पहला पॉइंट। या अगर कंपनी में बोर्ड नहीं है तो हेड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर रहा है, तो हमने क्या बोला, आपको हम क्या बोलेंगे यार, कंप्लाइंस ऑफिसर। तो कंप्लाइंस ऑफिसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्लाइंस ऑफिसर मतलब वो पर्सन जो कोई सीनियर ऑफिसर लेवल पर डेजिग्नेशन है, जो किसको रिपोर्ट करता है, डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। अगर मेरी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसको रिपोर्ट करता है। तो जो पर्सन रिपोर्ट कर रहा है उस पर्सन को हमने क्या बोला है यार, आप कौन हो, कंप्लाइंस ऑफिसर, राइट। एक पॉइंट। सेकेंड, ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली लिटरेट है, कौन है जो फाइनेंशियली लिटरेट है। अब आप बोलोगे यार सर ये क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेट, तो ये भी रेगुलेशन में बताया है। पहले हम देख रहे हैं फाइनेंशियली लिटरेट मतलब क्या, नाम से लग रहा है फाइनेंशियली लिटरेट मतलब वो पर्सन को फाइनेंस का इंटरप्रिटेशन निकालना आता हो, बैलेंस शीट रीड करना आता हो, कोई भी डिसीजन लिया है जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट होगा उसका इंटरप्रिटेशन निकालना, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे वो आपको निकालना आता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियली लिटरेट। शैल मीन अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड बेसिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे यार, फाइनेंशियली लिटरेट। हम एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली लिटरेट हो। इज केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस अंडर दिस रेगुलेशन, राइट। ये हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंस ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग एडहेरेंस टू द रूल्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। मैंने आपको बोला था ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं पता वो सिर्फ आपको, डायरेक्टर को, KMP को, CA को, CS को पता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनसाइडर्स को पता है, जो बाहर वालों को नहीं पता, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में क्या शब्द बोलते हैं, UPSI, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। या हम UPPSI बोलें इसको तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो, राइट, UPPSI, अब ठीक है, राइट। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइस के, मेरी कंपनी के शेयर के प्राइस में ऊपर या नीचे अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, मे बी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक के पास गई तो सब वो 10% मेरी कंपनी का शेयर प्लस या माइनस हो सकता है। तो ऐसी कंपनी को हम, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे यार, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं पता तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, उसको हम क्या बोलेंगे यार, यूपी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन।
मेरी कंपनी का हम फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, हम बैलेंस शीट से डिस्क्लोज़र देने वाले हैं, बैलेंस शीट लाने वाले हैं, प्रॉफिट बताने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर कितना साल भर में प्रॉफिट कमाया है, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स होने वाला है, डिक्लेरेशन ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स होने वाला है, ये जो कंसेप्ट होता है ये पूरा का पूरा क्या है आपका, सब प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं पता तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आगे मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड्स स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी और द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज द केस मे बी। तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट, इन चारों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यार, आप कौन हो बॉस, कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये कंप्लायंस ऑफिसर मतलब ऐसा पर्सन जो सीनियर लेवल पर है, ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली लिटरेट है, ऐसा पर्सन जो कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिसीज प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू प्रिजर्वेशन ऑफ UPPSI इंफॉर्मेशन, या ऐसा पर्सन जो मॉनिटर कर रहा है ट्रेड्स को या इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है कोड ऑफ कंडक्ट को, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे यार, आप कौन हो साहब, कंप्लायंस ऑफिसर। राइट, चलो तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी है सब, इनसाइडर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, कंप्लायंस ऑफिसर की। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास कनेक्टेड पर्सन की। राइट, कनेक्टेड पर्सन मतलब क्या, एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग द सिक्स मंथ, any person who is or has during the 6 month prior to the concerned act has been associated with a company directly indirectly in a capacity including by reason of frequent communication with its officers। तो हम क्या बोलेंगे, आप कनेक्टेड पर्सन हो। अरे भाई CA CS को भी हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड पर्सन, या उनके एम्प्लॉयज हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड पर्सन। अकेला CA, एक इंडिविजुअल CA, से फॉर एग्जांपल एक फर्म ऑफ CA को हमने अपॉइंट करा किसी कंपनी में एज अ ऑडिटर, तो वो अकेला काम नहीं करेगा साहब, उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो काम करेंगे, वो सबॉर्डिनेट्स को भी हम क्या बोलेंगे यार, कनेक्टेड पर्सन। बाय बीइंग अ कॉन्ट्रेक्चुअल फिडिशियरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, और बाय बीइंग अ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी holds any position including a professional or business relationship between himself and the company whether temporary or permanent that allows such person directly indirectly access to UPSI unpublished price sensitive information or is reasonably expected to such information। right, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको वो इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, वो हम उस पर्सन को, आपको हम क्या बोलेंगे, आपको कनेक्टेड पर्सन। मतलब अगर आप कनेक्टेड पर्सन में पाए गए, देन यू ऑल्सो नीड टू फॉलो द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। मीन्स वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, देन यू नीड टू प्रोवाइड द डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दिस रेगुलेशन ओनली। राइट, सो ये हमारे पास काम का है, काहे की डेफिनेशन है यार, कनेक्टेड पर्सन की। कोई फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन करता है ऑफिसर से, आप कौन हो, कनेक्टेड पर्सन। कॉन्ट्रेक्चुअल फिडिशरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, कौन हो आप, कनेक्टेड पर्सन। डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हो कंपनी के, कनेक्टेड पर्सन। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेबी हैज इन इट्स रिसेंट जजमेंट established nexus, nexus मतलब क्या होता है, relation and relationship of various persons through social media networking websites to identify such connected person। से भी बहुत होशियार है साहब, वो सोशल मीडिया पर भी नज़र रखता है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है, या कोई कनेक्टेड पर्सन या कोई डायरेक्टर का रिलेटिव कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज तो नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। राइट, सो ये क्या है हमारे पास, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन। नाउ सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें डिस्कस करना चाहिए थी, इनसाइडर। सो इनसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन, इसलिए हमने पहले डेफिनेशन काहे की देखी यार, कनेक्टेड पर्सन की। तो उन्होंने क्या बोला,
इनसाइडर मतलब, इनसाइडर मतलब वो व्यक्ति जो कनेक्टेड पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइडर हूँ आप। और इस पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब किसी पर्सन को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, उस पर्सन को हमने क्या बोला है यार, इनसाइडर। राइट, तो इनसाइडर मतलब कनेक्टेड पर्सन, इनसाइडर मतलब ऐसा पर्सन जिस पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है, आपको वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट है, भले ही आप कनेक्टेड पर्सन ना हो तो भी आपको हमने क्या बोला है यार, इनसाइडर। आगे, पर्सन डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन, राइट। अभी तो हमने क्या देखा यार, कनेक्टेड पर्सन कौन कौन होगा, मतलब जो डायरेक्टली होगा, बट सब डेफिनेशन में डीम्ड शब्द आया, और डीम्ड मतलब क्या होता है यार, मान लिया जाए, सब इन पर्सन्स को भी हमने कनेक्टेड पर्सन माना है। चले, पर्सन इज डीम्ड टू बी द कनेक्टेड पर्सन अनलेस द कॉन्ट्ररी इज एस्टैब्लिश्ड इफ सच पर्सन इज, फर्स्ट पॉइंट, एनी इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द कनेक्टेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन के रिलेटिव को भी हमने क्या माना है, पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के मामा जी हैं, उनको भी हमने क्या माना है यार, डीम टू बी रिलेटेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन, फर्स्ट पॉइंट। अ होल्डिंग कंपनी और अ एसोसिएट कंपनी और अ सब्सिडी कंपनी को भी हमने क्या माना है, कनेक्टेड पर्सन। एन इंटरमीडिएट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट में, इन सबको हमने क्या माना, इंटरमीडिएट को भी, कनेक्टेड पर्सन। और एन एम्प्लॉय डायरेक्टर देयर ऑफ, और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर देयर ऑफ, इन सबको भी हमने क्या माना है, कनेक्टेड पर्सन। एन ऑफिशियल्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज और अ क्लियरिंग हाउस और अ कॉरपोरेशन, कनेक्टेड पर्सन। अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज हैं, उनको भी हमने क्या माना यार, कनेक्टेड पर्सन। Members of the board of directors of AMC, asset management company of a mutual fund, or an employee thereof, इन सबको हमने क्या माना है, connected person. A member of BOD or an employee of a PFI, connected person. An officials employee of a self-regulatory organization recognized by SEBI, connected person. Bankers of the company, obviously यार company का banker है, उसको भी हमने क्या माना है, connected person. A concern, firm, trust, HUF, company, association of a person, wherein director of the company or his immediate relative holding more than 10% of the holding or interest, इन सबको हमने क्या माना है, connected person। याद रखना, सब सेबी सबको चेक करता है, अगर कोई insider trading का अगर कोई डिफॉल्ट आया, इनसाइडर ट्रेडिंग का अगर कहीं भी शक होता है तो सेबी सबको चेक करता है, ये सारे के सारे डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन के ऊपर शिकंजा कसता है। राइट, नाउ हमने एक वर्ड देखा यार, इमीडिएट रिलेटिव। अब ये इमीडिएट रिलेटिव मतलब क्या, मींस स्पाउस ऑफ अ पर्सन। मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी जी को हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट रिलेटिव। इंक्लूड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, child of such person or of a spouse, any of whom is either dependent financially on such person or consult such person in taking decisions relating to trading in securities। आप हर उस व्यक्ति को immediate relative मानेंगे अगर आप किसी से सलाह मशवरा भी करते हैं, जिसकी बात मानते हैं या जिसके decision पे काम करते हैं, उस person को भी हम क्या मानेंगे, immediate relative। राइट, ध्यान से, तो इमीडिएट रिलेटिव मतलब हर वो व्यक्ति हो गया सब जो हमारी स्पाउस ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन का कोई स्पाउस है। इंक्लूडिंग पेरेंट्स, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ अ स्पाउस, एनी ऑफ हुम इज ईदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली और एनी सच पर्सन और कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजन। आप ऐसे किसी व्यक्ति की राय मशवरा ले रहे हैं, लॉ ने बोला आपको हम क्या मानेंगे यार, इमीडिएट रिलेटिव। राइट, तो हमने तीन तरह की डेफिनेशन की बात करी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब ये तीनों तरह की डेफिनेशन काम की है। राइट, पहला वाला क्या है, पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन, इनसाइडर कौन होता है और इमीडिएट रिलेटिव कौन होता है। राइट, चल नेक्स्ट डेफिनेशन है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हम प्यार से इसको क्या लिखेंगे, UPSI। राइट,
अनपब्लिश्ड UPSI लिख सकते हो, UPPSI लिख सकते हो, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है यार वो UPPSI होता है। क्यों? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। चले, मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना रिलेटिंग टू अ कंपनी, जो कंपनी से रिलेटेड है या उसके सिक्योरिटी से, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेट इज नॉट जनरली अवेलेबल, विच अपॉन बिकमिंग जनरली अवेलेबल इज लाइकली टू बी मटेरियली अफेक्ट, जो जनरली अवेलेबल नहीं होती, बट अगर जो जनरली अवेलेबल होती तो वो मेरी कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता था। एंड शेल ऑर्डिनली इंक्लूडिंग बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, इन सब को तो हम UPPSI मानते ही हैं इनके अलावा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन को हम UPPSI मानते हैं, इसके अलावा और भी किसी चीज़ को हम मान सकते हैं। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल मतलब साल भर मेरी कंपनी ने काम करा, क्वार्टरली वाइज, हम क्वार्टरली डिस्क्लोज़र होता है रिजल्ट्स का, क्वार्टरली डिस्क्लोज़र होता है, साल भर का होता है, वो सब चीज़ें हैं। डिविडेंड्स, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन डीलिस्टिंग डिस्पोजल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड सच अदर ट्रांजेक्शंस, चेंज इन के मैनेजर पर्सन, राइट। तो ये सब क्या हुआ आपका, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। आगे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स एंड इंक्लूड सब्सक्राइबिंग बाइंग सेलिंग डीलिंग अग्री टू बाय agree to subscribe buy sell deal in any securities or trade shall be constructed accordingly। तो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने कोई शेयर खरीदा, आपने कोई शेयर बेचा, या फिर आपने तैयार हो आप खरीदने बेचने के लिए, एग्रीमेंट कर लिया आपने, ये सब क्या हुआ आपका ट्रेडिंग। प्रपोज टू बी लिस्टेड मतलब आज मेरी कंपनी का शेयर लिस्टेड नहीं है, बट हमने बातचीत चल रही है, सारी कंडीशंस कंप्लाई कर दिया, हम लिस्ट होने वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे आपको, प्रपोज टू बी लिस्टेड। प्रपोज टू बी लिस्टेड शैल इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ अ अनलिस्टेड कंपनी, अरे भाई अभी लिस्टिंग नहीं हुई है तो आपकी कंपनी को हम क्या बोलेंगे यार, अनलिस्टेड कंपनी। इफ़ सच अनलिस्टेड कंपनी हैज़ फाइल्ड ऑफर डॉक्यूमेंट, आपने क्या फाइल कर दिया यार, ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस और अदर डॉक्यूमेंट एज द केस में भी, किसके पास, सेबी के पास फाइल कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल कर दिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब ROC के पास फाइल कर दिया, इन कनेक्शन विद द लिस्टिंग इसके पास फाइल कर दिया, तो आपको हम क्या बोलेंगे यार, प्रपोज टू बी लिस्टेड। और इफ सच अनलिस्टेड कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड पर्सुएंट टू एनी मर्जर अमालगमेशन और हैज फाइल्ड अ कॉपी ऑफ एनी सच स्कीम ऑफ मर्जर अमालगमेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, इसको हम क्या बोलेंगे यार, प्रपोज टू बी लिस्टेड। प्रपोज टू बी लिस्टेड मतलब क्या है सब, हमने कोई सिक्योरिटीज हैं वो भी अनलिस्टेड कंपनी की है, हमने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, ROC के पास, तो हम क्या बोलेंगे, प्रपोज टू बी लिस्टेड है। या इफ सच अनलिस्टेड कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड पर्सुएंट टू एनी मर्जर एंड अमलगमेशन और हैज फाइल्ड अ कॉपी ऑफ सच स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन, तो भी आपको हम क्या बोलेंगे यार, प्रपोज टू बी लिस्टेड, राइट। तो ये हमारे पास तीन डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट, विच टॉक्स अबाउट द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। Second definition deals with the trading, a definition of trading, and the third definition deals with the proposed to be listed, right? तो ये हमारे पास overall पूरा का पूरा definition part खत्म होता है, right? हमको बात करनी है साहब अब next topic जो है वो बात करता है section number 3 की and regulation number 3 की, and regulation number 3 बोलता है communication procurement of unpublished price sensitive information। So regulation number 3 provides that any person shall not, first point, communicate, provide or allow access to any unpublished price sensitive information। कोई भी person communicate नहीं करेगा अगर आपके पास ऐसी कोई information है, या आप किसी को information नहीं दोगे,
या किसी व्यक्ति को आप एक्सेस अलाउड नहीं करोगे ऐसी इंफॉर्मेशन का जो कैसी है यार, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फर्स्ट बात, पहली बात। दूसरी बात, प्रोक्योर फॉर्म और कॉज द कम्युनिकेशन बाय एन इनसाइडर ऑफ एन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपने वहां से इंफॉर्मेशन ली है, ऐसा काम भी नहीं करना है। थर्ड, रिलेटिंग टू अ कंपनी और सिक्योरिटीज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड एक्सेप्ट इन फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट मतलब बिजनेस, लेजिटिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। इसको भी हम क्या बोलेंगे आपका, कि आपने डील करने के लिए किए हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल मेक अ पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस। बी ओ डिसाइड करेगा क्या लीगल पर्पस होना चाहिए, क्या लेजिटिमेट मतलब जरूरी पर्पस, जरूरी है क्या इंफॉर्मेशन लेना। एज अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट रेगुलेशन 8 में जो बताया है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, द टर्म लेजिटिमेट पर्पस मीन्स शैल इंक्लूड शेयरिंग ऑफ UPSI इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कौन कर रहा है डिस्क्लोजर? इनसाइडर। किसके साथ में? विद पार्टनर्स। अरे भाई, पार्टनर्स को बताना है कि नहीं बताना है? कोलेबरेटर्स, लेंडर्स, कस्टमर, सप्लायर। से फॉर एग्जांपल, आप कोई फाइनेंस की जुगाड़ में हो, आपने किसी बैंक से बात करी, आपने कोई फॉरेन बैंक से बात करी, सॉफ्ट बैंक से बात करी, सब बैंक ऑफ अमेरिका से बात करी आपने पैसा लेने के लिए, तो उनको बताना पड़ेगा आपको कि सर हम आपसे फंड लेंगे और हम उससे हम इंडिया में एक ऐसी कंपनी एक्वायर करेंगे। ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये कौन सा पर्पस हुआ? लेजिटिमेट पर्पस। आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है सब प्रॉफिट एक्वायर करने की। आपकी इंटेंशन क्या है कि भाई हम तो बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, सबको बताकर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और सच एडवाइजर कंसल्टेंट प्रोवाइडेड सच शेयरिंग हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट टू इवेड और सरकमवेंट द प्रोहिबिशन ऑफ दिस रेगुलेशन। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। एनी पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन परसुएंट टू लेजिटिमेट पर्पस, किसी व्यक्ति को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, शेल बी कंसिडर्ड एज अ इनसाइडर। उस व्यक्ति को हाथों हाथ हमने क्या मान लिया यार? इनसाइडर। मतलब हमने कोई फॉरेन बैंक के कोई डायरेक्टर से बात करी है, राइट? वो डायरेक्टर को भी हमने क्या मान लिया इस रेगुलेशन में? इनसाइडर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन एंड ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू सच पर्सन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली। उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप ये चीज़ किसी से डिस्क्लोज नहीं करोगे। ऑफ सच अनपब्लिश्ड, अच्छा कंपनीज क्या करती हैं ऐसा करने के लिए, हम एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, राइट, कि भाई आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये हमारे पास कौन सा था यार? रेगुलेशन नंबर 3। एंड रेगुलेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ UPPSI, राइट, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। पहला पॉइंट, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई कम्युनिकेट नहीं करना है। आपको कोई कॉज द कम्युनिकेशन बाय एन इनसाइडर, वो ध्यान रखना है आपको। रिलेटिंग टू द कंपनी, लेजिटिमेट पर्पस के लिए अलाउड है, लेजिटिमेट पर्पस ये रहा आपका। और अगर आपने किसी को बताया है तो उस व्यक्ति को भी हम क्या मानेंगे? मतलब किसी व्यक्ति को आपने अगर लेजिटिमेट पर्पस के तहत भी इंफॉर्मेशन बताई है तो उस पर्सन को भी हम क्या मानेंगे यार? इनसाइडर। चल, ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। रेगुलेशन 4 प्रिस्क्राइब्स दैट एन इनसाइडर शैल नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटी। साफ साफ बोल दिया भाई, इनसाइडर है ना आप, आपको ये ट्रेड नहीं करना शेयर्स में कंपनी के। विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज वेयर इन पोजेशन ऑफ, आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, मीन्स प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड विच इज नॉट येट पब्लिश्ड। हाउएवर द इनसाइडर मे प्रूव हिज इनोसेंस, बट कुछ कुछ केसेस में वो इनोसेंस प्रूव कर सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 तरीके हैं। पहला पॉइंट है, वो बोलेगा कि सब हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो हमने पहली बात तो ऑफ मार्केट किया। ऑफ मार्केट मतलब हमने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं किया।
और वो भी हमने आपस में किया बिटवीन दो इनसाइडर के बीच में, तो ट्रेडिंग अलाउड है, राइट। फर्स्ट पॉइंट में वो बोलेगा कि सर हमने जो ट्रेड किया है शेयर्स में, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, बट देन टू हमने जो ट्रेड किया वो दो इनसाइडर के, सामने वाले के पास भी इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है, हु वर इन पोजेशन ऑफ द सेम अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन विदाउट बीइंग इन ब्रीच। हमने कोई रेगुलेशन नंबर 3 का ब्रीच नहीं किया, एंड बोथ पार्टीज हैड मेड अ कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म्ड ट्रेड डिसीजन। दोनों पार्टी ने दिमाग रहते हुए अपना डिसीजन लिया है, प्रोवाइडेड डेट। लॉ ने बोला ठीक है, आपने ऐसा काम किया, आपने दो इनसाइडर के बीच में ट्रांजेक्शन करा, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन करा, ऑफ मार्केट मतलब विदाउट स्टॉक एक्सचेंज, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ट्रांजेक्शन को दो टू वर्किंग डेज में बता दो, राइट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच ऑफ मार्केट ट्रेड्स शैल बी रिपोर्टेड बाय द इनसाइडर टू द कंपनी विद इन टू वर्किंग डेज, राइट। एवरी कंपनी शैल नोटिफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रेड टू द स्टॉक। और कंपनी की जिम्मेदारी है कि जब से आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है आपको दो दिन में इंटीमेट करना है। सेकेंड पॉइंट, द ट्रांजेक्शन वॉज कैरीड आउट थ्रू द ब्लॉक डील। हमने ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म के थ्रू ये ट्रांजेक्शन किया है दो पर्सन के बीच में जिनके पास ये इंफॉर्मेशन है विदाउट बींग, और हमने रेगुलेशन नंबर 3 का ब्रीच नहीं किया, और बोथ पार्टीज ने, तो लॉ ने बोला कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड दैट सच अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वॉज नॉट ऑब्टेन बाई ईदर पर्सन अंडर रेगुलेशन 3.3। थर्ड पॉइंट, द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन वॉज कैरीड आउट। हमने लीगली ट्रांजेक्शन को कैरीफाइड करा, कैरीड आउट किया, वो भी बोनाफाइड ट्रांजेक्शन के रूप में। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑफ मार्केट करा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, ब्लॉक डील से करा। ब्लॉक डील मतलब इकट्ठे शेयर, हमने एक मैंने बेचे आपने खरीदे इकट्ठे शेयर, मैंने आपको 5 लाख शेयर, मैंने अपनी कंपनी के 5 लाख शेयर सेल आउट करे, आपने 5 लाख शेयर हाथों हाथ खरीद लिए, ये होता है ब्लॉक डील, राइट। सिंगल सिंगल शेयर की बात नहीं करते हम। फोर्थ पॉइंट, द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन वॉज अंडरटेक पर्सुएंट टू द एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। पहला वाला पॉइंट ऑफ मार्केट डील, सेकेंड वाला पॉइंट ब्लॉक डील मैकेनिज्म, थर्ड पॉइंट रेगुलेटरी फॉलो करता हुआ, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया है वो हमने स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज करा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एक्सरसाइज प्राइस वॉज। एक्सरसाइज प्राइस ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड थी भाई, कौन सी प्राइस पर आप शेयर लोगे 3 साल बाद, वो 3 साल का टाइम पीरियड आ गया। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, द इंडिविजुअल हु वर इन पोजेशन ऑफ सच अनपब्लिश्ड प्राइस एंड इन्फॉर्मेशन वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। मतलब एक कंपनी है, डायरेक्टर्स को पता है, कंपनी को नहीं पता, तो लॉ ने बोला दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सच डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल्स वर नॉट इन पोजेशन ऑफ सच अनपब्लिश्ड प्राइस व्हेन दे टुक द डिसीजन। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर जिस टाइम पर डिसीजन लिया, से फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ने कोई रिजोल्यूशन पास किया कंपनी फॉर्म में, राइट, डायरेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन पता है बट मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं पता, एंड मेंबर्स ने रिजोल्यूशन पास करा, मतलब जो जिनके पास इन्फॉर्मेशन है और जो ट्रेड कर रहा है दोनों अलग अलग पर्सन है, और जो पर्सन ट्रेड कर रहा है उसको वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स वर इन प्लेस टू इंश्योर दैट अंडर दिस रेगुलेशन आर नॉट वायोलेटेड। हम कोई वायोलेशन नहीं करेंगे, एंड नो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाई द इंडिविजुअल पजेसिंग द इन्फॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल टेकिंग द डिसीजन ऑफ ट्रेडिंग प्लान, राइट। भाई कंपनी में डायरेक्टर्स ट्रेड नहीं करते, डायरेक्ट और कोई दूसरे पर्सन रहते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अपॉइंट करते हैं उनको, वो ट्रेड करते हैं अपने दिमाग से, राइट, हम वो बात कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, जो भी ट्रेड करे गए हैं वो ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से करे गए हैं, और ट्रेडिंग प्लान का जिक्र रेगुलेशन नंबर 5 में है, राइट। ट्रेडिंग प्लान मतलब आपने पहले से सब कुछ बता दिया, आपने नेक्स्ट 12 मंथ का ट्रेडिंग प्लान बता दिया कि हम इस तारीख को इतने शेयर्स लेंगे, ये होता है ट्रेडिंग प्लान। मतलब ऐसा प्लान जो बोर्ड डायरेक्टर्स ने, KMP ने, हर इनसाइडर ने एडवांस में इंटीमेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, सब एक डायरेक्टर साहब की बिटिया की शादी है,
तो वो बिटिया की शादी के उन्होंने 1 महीने पहले बोल दिया कि भाई मतलब बिटिया की शादी है से फॉर एग्जांपल दिसंबर में, और वो पर्सन ने क्या बोल दिया कि मैं नेक्स्ट अक्टूबर में अपने शेयर सेल करूंगा, आज से आपने कंप्लायंस ऑफिसर को बता दिया कि मैं शेयर ये सेल करूंगा, वॉट एवर प्राइस, उस टाइम पर कोई भी प्राइस हो उससे मतलब नहीं है, ऐसा ट्रेडिंग प्लान जो एडवांस में इंटीमेट कर दिया हो उस प्लान को हम क्या बोलते हैं यार, ट्रेडिंग प्लान, राइट। और जो रेगुलेशन नंबर 5 में जिक्र है, इन केस ऑफ कनेक्टेड पर्सन द ओनर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग दैट दे वर नॉट इन द पोजेशन ऑफ UPSI शैल बी ऑन सच कनेक्टेड पर्सन एंड इन अदर केस द ओनर्स वुड बी ऑन द सेबी, मतलब दोनों को रहेगा, सब कनेक्टेड पर्सन को भी सेबी को भी, दोनों में से कोई भी प्रूफ कर देगा कि देखो यार इस पर्सन ने इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ट्रेड किया, समस्या हो जाएगी। ये हमारे पास कौन सा है यार, रेगुलेशन नंबर 4 बात करता है, राइट।